देख रहे TV45 और मैं अनुज कुमार पांडे। लोकसभा चुनाव पर चरम पर है और आज हजारीबाग में JLKM के प्रत्याशी संजय मेहता अपना नॉमिनेशन कराएंगे। ठीक उसके पहले चतरा जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थली भद्रकाली मंदिर वो पहुंचे हैं और यहां उन्होंने माता भद्रकाली की पूजा अर्चना की। टाइगर जयराम ने आप पर विश्वास करके आपको हजारीबाग से उतारा है। हजारीबाग ऐसा क्षेत्र जहाँ पे काफ़ी मुकाबला कड़ा है, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, मुकाबला जब राजनीति में होता है तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि विचारों के तौर पर मुकाबला होता है। आम तौर पर जनता ये सोचती है कि लोकसभा का चुनाव है तो राष्ट्रीय मसले पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन आपको इस बात पर गौर करना होगा कि राष्ट्रीय मसले एक विषय हो सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं बार बार सबको ये बात कहता हूँ कि भारत जो पूरा बना है वो पूरा भारत जो है तमाम राज्यों को मिला करके बना है। भारत है ही राज्यों का संघ, तो सभी राज्यों की अपनी समस्याएं हैं। और मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर 14 लोकसभा क्षेत्र हमें मिले हैं हिस्सेदारी में तो 14 लोकसभा क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं, तो इसलिए इस बात को आप मान करके चलिए। और तमाम झारखंडी जनमानस को कहना चाहते हैं कि नेशनल नैरेटिव के पैटर्न पर राष्ट्रीय अवधारणा को आप एक तरीके से देखते हुए जो वोटिंग आप करते हैं उस पर एक बदलाव लाइए और आप देखिए कि झारखंड का जल कैसे बचेगा, जमीन कैसे बचेगा, जंगल कैसे बचेगा, कोयला लोग ले रहे हैं, हमारा राजस्व में हमारी कितनी हिस्सेदारी है, क्या वो राजस्व हमें मिल पा रहा है, हमारे यहाँ जो इतना खनन हो रहा है आयरन का, बॉक्साइट का, यूरेनियम का, अब्रक का, ये तमाम चीज़ों पर जो हम लोगों को मिलना चाहिए राजस्व, क्या स्टेट को मिला, क्या यहाँ के लोगों को वो हक अधिकार मिल पाया, इन सारे विषयों पर जब आप सोचेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि झारखंड के लोग वास्तव में परेशानी में हैं। बिरसा मुंडा ने जब आंदोलन किया था तो उसके बाद ही CNT का कानून 1908 में बना था, तो आप समझिए कि उस दौर में जमीन जब हम लोग बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे तो अंग्रेजों को मजबूरन CNT का कानून बनाना पड़ा था, और आज उसी CNT के कानून के कारण कुछ ज़मीनें हमारी बची हुई हैं। तो जब पूरी लड़ाई हमारे ब्रिटिश शासन से लेकर के अभी तक जमीन बचाने की लड़ाई है तो जमीन बचाने की लड़ाई में झारखंडियों का जमीन कौन बचाएगा उसके साथ आपको खड़ा होना होगा, ना कि कौन अडानी को कोल ब्लॉक का आवंटन दे रहा है और आप एक साल से धरना पर बैठते हैं और आपकी आवाज़ को नहीं सुनता है, तो ऐसे लोगों को चुनेंगे तो झारखंडियों का कल्याण नहीं होगा। ये लोकसभा चुनाव है, इसमें देखना ये है कि इन नवयुवकों को लोग वोट करते हैं या किसी और को, ये तो समय बताएगा। अपने कैमरा पर्सन प्रज्वल मिश्रा के साथ चतरा से अनुज कुमार पांडे, धन्यवाद।